नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुमेत जांगड़ा आप सभी का अपने चैनल में हम सभी के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन यानी 10 अप्रैल सभी होम्योपैथ के लिए बहुत सुनहरा दिन रहता है। हर साल हम लोग 10 अप्रैल की बहुत आतुरता से राह देखते हैं। हाँ, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ में जागतिक होम्योपैथिक दिन के नाम से मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के नाम से मनाया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन जो होम्योपैथी के हमारे फाउंडर थे डॉक्टर सैमुअल हनेमन, उनका जन्म हुआ था। आज हम उनके जन्म से लेके होम्योपैथी के बारे में सब मालूम लेने वाले हैं और आज का करंट सिनेरियो होम्योपैथी का क्या है ये समझने की कोशिश करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज होम्योपैथी। हाँ, व्हाट इज होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है। सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं आप सभी तक वो सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब हम में से कोई भी शायद नहीं था। हाँ, 1755 में हम में से कोई भी नहीं था। 1755 का 10 अप्रैल एक सुनहरा दिन आया, जिस दिन पोर्सिलिन पेंटर के घर पे उनका तीसरा बेटा आया। उन्हें नहीं पता था यही हमारा नाम रोशन करेगा और सारी दुनिया को गिफ्ट के रूप में होम्योपैथी देगा। डॉक्टर सैमुअल हनेमन का जन्म 1755 में जर्मनी में हुआ। वो उनके माता पिता के तीसरी संतान थे। बचपन से ही बहुत लगनशील, बहुत पढ़ाई में चतुर और दिमागबाज हनेमन गरीबी रहते वक्त भी बहुत सारी चीजें करके पढ़ाई पे फोकस करते थे। माँ बाप ने घर पे ही कुछ दिनों तक पढ़ाया, फिर स्कूल में जाके आगे की पढ़ाई की और खुद के दम पे उन्होंने मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट किया। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब पढ़ाई करने के साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस थी जिनका बहुत अच्छे से जानकारी ली, उनकी मालूमात ली और उन्होंने उनमें प्रावीण्य हासिल किया। तकरीबन 10 से 12 लैंग्वेज में हनेमन में मास्टर की कर ली, जो लैंग्वेजेस ही उन्हें आगे चल के बहुत काम आने वाली थी, जिनके वजह से ही उन्होंने होम्योपैथी हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने लाई। जब हनेमन ने खुद का पूरा एमडी का एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1781 में उन्होंने अपना हॉस्पिटल चालू किया। 1781 में हॉस्पिटल चालू करने के बाद में थोड़ी दिनों में हनेमन के हाथ पीले हो गए, यानी हनेमन ने शादी कर ली। शादी के बाद में कंटिन्यूएशन में वो प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत सारे नॉलेज को गेन कर रहे थे। केमिस्ट्री में पावरफुल इंसान, फार्मेसी में पावरफुल इंसान, फॉर्मूलाइज बनाने में एक्सपर्ट, ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट, ऐसे हनेमन ने खुद की प्रैक्टिस डे बाय डे बहुत बढ़ाना चालू किया और हर पेशेंट को लगन के साथ में वो ट्रीट करने की कोशिश करते थे। पर कुछ ही सालों में एक दिन ऐसा आया जो दिन हनेमन को पछतावा होना चालू हो गया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये पेशेंट के साथ में ठीक नहीं कर रहा हूं, ये पैथी ऐसे कैसे है ट्रीटमेंट, मैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के नाम पे तकलीफ दे रहा हूं, पेशेंट क्योर नहीं हो रहे और ऐसे ट्रीटमेंट से अच्छा है तो मैं प्रैक्टिस ही ना करूं। और जब ऐसे वो मंशा में थे, जब वो ऐसे सोच में थे, तब इसी सोच के साथ में उन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस को थोड़ा सा बाजू में रखते हुए मेडिसिन्स के बुक्स, अलग अलग मठा मेडिका को ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। उनकी मंशा ऐसी थी कि वो अलग अलग बुक्स को समझ ले और कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट लाए जिससे कि पेशेंट अच्छे से ठीक हो पाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त की हनेमन के टाइम पर ट्रीटमेंट कैसी थी। ना तब एलोपैथी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, ना तब अदर पैथीज का भी पकड़ा था। हाँ, इंडिया के अंदर आयुर्वेदा पहले से लेके आज तक भी बहुत पावरफुली काम करता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, पर अदर पैथीज तब तक बहुत अच्छे से डेवलप नहीं थी। तो ट्रीटमेंट कैसी होती थी, तब
ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स ऐसे थे, अगर किसी का सर दर्द हो रहा है तो लीच लगा के उसका ब्लड सक किया जाता था, जिससे कि उसे हाइपोटेंशन हो जाए, उसका ब्लड जो है वहां से कम हो जाए और जो कंजेशन की वजह से हेडेक हो रहा है वो कम हो जाए। पर इसके साइड इफेक्ट में ऐसा होता था कि वो पेशेंट का एनीमिया कंडीशन की तरफ जाता था, वो पेशेंट एनीमिया के कंडीशन की तरफ जाता था। अगर किसी का हाथ दुख रहा है तो वहां पे भी ट्रीटमेंट के स्वरूप में किसी की उंगली काट दी जाती थी, जिससे कि जो है वो पेन कम हो जाए और उसका पूरा फोकस वो हाथ पे ना जाते हुए उंगली पे चला जाए। बहुत सारे डिफिकल्ट, हम अगर आज के वक्त में सोचे तो हम जो युग में जी रहे हैं हमारी लाइफ बहुत आसान और बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू प्रीवियस लाइफ। और इसी सब चीजों से हनुमान बेजार होके उन्होंने होम्योपैथी बोल के, होम्योपैथी के लिए नहीं पर कुछ अच्छी ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए बुक्स ट्रांसलेट करना चालू किए। एक दिन जब वो बुक्स ट्रांसलेट करने बैठे तो उनके हाथ में था क्यूलेंस मट्रा मेडिका। हाँ दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे पता है, बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि क्यूलेंस मट्रा मेडिका का सबसे बड़ा रोल है होम्योपैथी के इजाद में, होम्योपैथी के फाउंडेशन में। जब 1790 के बाद में हनुमान क्यूलेंस मट्रा मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे तो एक दिन ट्रांसलेट करते करते उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें ये लिखा था सिंकोनाबाक नाम की एक मेडिसिन है जो मेडिसिन मलेरिया को ट्रीट कर सकती है क्योंकि उसकी बिटरनेस और स्टमक पे एक्शन वो मलेरिया को हटा देगा। पर जैसे कि आपको पता है, मुझे पता है, हनुमान बहुत चतुर इंसान थे और किसी के कहने पर इतने जल्दी आसानी से मान नहीं जाते थे। उन्होंने सोचा कि ये सिंकोनाबाक खाने से मलेरिया ट्रीट हो जाएगा, ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज कड़वी है तो मलेरिया ठीक कर देगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट करूं, और उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने खुद ही सिंकोनाबाक को खाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक लगातार सिंकोनाबाक चाइना लेने के बाद में उनके अंदर मलेरिया जैसे फीवर के सिम्टम्स आना चालू हुए। तब जाके हनुमान की दिमाग की बत्ती जल गई, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं सिंकोनाबाक खा रहा हूं और मुझे मलेरिया हो रहा है, ये क्यूलेंस मट्रा मेडिका में लिखा क्या है, ऐसी कैसी ये पावर है मेडिसिन के अंदर जो मुझे बीमारी बना सकती है, और अगर ये बीमारी बना सकती है तो ये ट्रीट भी कर सकती होगी। और हाँ दोस्तों, वही सुनहरा दिन था जब होम्योपैथी के विश्व में, होम्योपैथी के लिए इस विश्व के अंदर दरवाजे खुल चुके थे। हनुमान ने बार बार अलग अलग मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और हर बार उन्हें ये देखने मिला कि जो जो चीजें वो मेडिसिन के बारे में लिखी गई है, जब जब सिंकोनाबाक के बारे में लिखा गया था कि हाँ ये मलेरिया ठीक कर सकता है, इनके साथ मलेरिया के फीवर ठीक हो सकता है, ऐसी चीजें हो रही है। फिर उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन को प्रूफ किया और ये कंफर्म किया कि हाँ बहुत सारे क्रूड सब्सटेंस ऐसे है जिनको खाने के बाद में वो बीमारियां हो सकती है, जिनके कुछ सिक्रेशंस, जिनके कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स वो मेडिसिन के अंदर, वो क्रूड सब्सटेंस के अंदर है। पर इतने पे हनुमान नहीं रुके, उनका माइंड और चला और उन्होंने ये सोचने की कोशिश की अगर ये मेडिसिन वो बीमारी बना रही है तो शायद यही मेडिसिन वो बीमारी हटा भी सकती है। हाँ दोस्तों, जब उन्होंने ये सोचा तब जाके उनको पता चला कि हाँ भाई ऐसा होता है और जो मेडिसिन ट्रीट कर सकती है वही चीज क्रूड फॉर्म में डिसीज भी दे सकती है, और इसी फॉर्म पे होम्योपैथी बनी और होम्योपैथी पूरी दुनिया के सामने आई। दोस्तों ये तो सफर था अभी तक का, होम्योपैथी आई कैसे, होम्योपैथी कहां से आई है, पर हमारा मेन मोटो यह है व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी का वर्ड मीनिंग ऐसा है कि होम्यो में सिमिलर और पैथिस में सफरिंग, मींस सिमिलर सफरिंग, और यही बेसिस पे हनुमान ने एक लॉ बनाया है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब है लाइक क्यूर्स लाइक।
इस सब चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आप सभी के सामने करने वाला हूँ, जो एक्सपेरिमेंट आपको, मुझे, हम सभी को होम्योपैथी शॉर्ट टाइम पीरियड में समझाने की कोशिश करने वाली है। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक लॉक है जो बंद है। ये लॉक के लिए हम ट्राई करके देखेंगे। मेरे पास एक 4 से 5 चाबियों का गुच्छा है और मैं ट्राई करूंगा कौन से चाबी से ये लॉक खुलता है। मैं ये चाबी से ये लॉक खोलने की कोशिश करता हूं। अरे ये तो यहाँ पे फिक्स ही नहीं हो रहा है। चलो दूसरी चाबी ट्राई करते हैं, शायद इससे खुल जाए। तो ये जा तो रही है पर कुछ नहीं हो पा रहा है। देखते हैं इसी के जैसे कोई सिमिलर होगी। थर्ड चाबी से हम खोलने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं। अब यह आखिरी चाबी है जो शायद इस लॉक की हो सकती है। अरे वाह, ये लॉक तो खुल गया। हाँ दोस्तों, यही होम्योपैथी है। व्हाट इज होम्योपैथी? दिस इज होम्योपैथी। जैसे एक सिंपल सा लॉक के लिए उसकी पर्टिकुलर चाबी ही चाहिए जो उसके लिए बनी गई है, वैसे ही जो पूरा इंसान है वो जब बीमार होता है तब एक पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए जो उसे ट्रीट कर सके। इसे कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो चाबी लॉक को खोल सकती है वही चाबी लॉक को बंद भी कर सकती है। हर एक लॉक के लिए स्पेसिफिक नंबर की, स्पेसिफिक मॉड्यूल की एक चाबी होगी जो इसके साथ मैच करेगी और वही मॉड्यूल, वही लॉक, वही खोल सकती है और बंद भी कर सकती है। और इसी बेसिस पे होम्योपैथी काम करती है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि होम्योपैथी का वर्क कैसा है, एक्चुअल होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर यानी क्या। देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं कि होम्योपैथी कहां से आई है, होम्योपैथी क्यों आई है, होम्योपैथी किसने बनाई है और होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। होम्योपैथी में लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब मैंने अभी एक लॉक के एक्सपेरिमेंट से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे चल के और ज्यादा होम्योपैथी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे होम्योपैथी दुनिया के सामने आ रही थी, डे बाय डे उनमें नए नए इनोवेशन चल रहे थे। हैनेमन ने बहुत कोशिश की कि वो बहुत सारी चीजों को प्रूफ कर सके। उन्होंने अपनी पूरे लाइफ में 99 मेडिसिन को प्रूफ किया है और हम सबको होम्योपैथी की बहुत बड़ी देन दी है। देखिए दोस्तों, अगर जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो कोई पॉजिटिव फैक्टर्स भी रहते हैं, कुछ निगेटिव फैक्टर्स भी रहते हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले भी रहते हैं, कुछ रोकने वाली भी चीजें आती है। वैसे ही हैनेमन के साथ में हुआ। हैनेमन जब काम करना चालू किया, होम्योपैथी दुनिया के सामने लाना चालू किया, उन्होंने बताना चालू किया कि हाँ एक ही पैथी ऐसी है जो क्योर कर सकती है, मैंने ऐसी चीज ढूंढ के निकाली है जो लोगों को क्योर तक पहुंचा सकती है। ये चीज बहुत से लोगों को रास नहीं आई, बहुत से लोगों ने उन्हें अपोज करना चालू किया, पर वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है जो हारी बाजी को जीत जाता है। और ये हमारे सिकंदर ने, वो हमारे हैनेमन ने क्या किया, सभी अपोजिटर्स की नाल काट दी, उन्होंने उनका नंबर 0 कर दिया और होम्योपैथी को हीरो बना दिया। जब जो जो अपोजिटर्स थे उन्होंने भी डे बाय डे होम्योपैथी को एक्सेप्ट करना चालू किया, जो होम्योपैथी के खिलाफ थे जब उन्होंने होम्योपैथी खुद पे आजमाई तब जाके होम्योपैथी का महत्व उन्हें समझ में आया। फिर जब होम्योपैथी और आगे बढ़ रही थी तो बोनिंगुसेन उसमें बढ़े, केंट उसमें आए, चार उसमें आए, क्लार्क उसमें आए, बोगर उसमें आए, और दिन ब दिन होम्योपैथी बहुत बढ़ते गई और दुनिया की हर कोने में पहुंच गई। आपको जान के ये खुशी होगी दोस्तों, 1796 में होम्योपैथी बनी थी, वो 1835 में, जब तो कम्युनिकेशंस के साधन भी कम थे, पर 1835 में होम्योपैथी इंडिया में आ चुकी थी। और आज इंडिया होम्योपैथी का सबसे बड़ा मार्केट है। होम्योपैथी दुनिया में जितनी यूज की जाती है उसमें सबसे ज्यादा इंडिया में यूज की जाती है। होम्योपैथी के तत्व लोगों को समझ में आए कि हाँ वाइटल फोर्स है जो डिसीज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है
तब इंसान के अंदर बीमारी बनती है। इन तत्वों पे चलने वाली होम्योपैथी आगे बढ़ते गई। जब उसके अंदर और इनोवेशंस होते गए, आज 2019 में नियर अबाउट 3000 मेडिसिंस होम्योपैथी में प्रेजेंट है, जो हर कोई बहुत सारे डिसीज में काम कर सकते हैं। फिर सर्दी से लेके कैंसर तक, फिर ट्यूबरकुलोसिस से लेके एचआईवी तक, बहुत सारे फैक्टर्स में जेनेटिक लेवल पे तो होम्योपैथी जैसा काम कोई नहीं कर सकता, और ये प्रूफ हो चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी के बाद में ये भी प्रूफ हो चुका है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर नैनो पार्टिकल्स है। होम्योपैथी जैसे बढ़ती जा रही थी, होम्योपैथी में नए इनोवेशंस आ रहे थे, नए नए लोग होम्योपैथी से जुड़ रहे थे, होम्योपैथी अलग अलग फैक्टर्स में एडवांस 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 होती जा रही है और होती जा रही थी। फिर होम्योपैथी में आए बहुत सारे लोग जिन्होंने होम्योपैथिक रेपर्टरीज बनाई, जिन्होंने होम्योपैथिक मटरा मेडिका को, फार्मेसी को, ऑर्गेनम को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और आज होम्योपैथी अगर हम देखें 3,000 से 4,000 मेडिसिन के साथ में है। हम होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर के युग में आज जी रहे हैं। हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से बहुत सारे मेडिसिन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पेशेंट को समझने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जा रही है। और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो होम्योपैथिक जो भारत ने शान पाई है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर हम शंकरन सर की बात करें, फिर हम निकम सर की बात करें, फिर अगर हम देखें सेगल सर के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने, अलग 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 लोगों ने होम्योपैथी को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे नाम ले उतने कम है, सरकार सर का नाम मैं लूँ या फिर मैं भस्मे सर का नाम लूँ, मैं देसड़ा सर का नाम लूँ, मैं किस किस का नाम लूँ, हर किसी ने होम्योपैथी को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी ऐसा शास्त्र है जहां पे क्योर वर्ड को ज्यादा फोकस किया गया है। होम्योपैथी जिन जिन एस्पेक्ट्स पे काम करती है, उसमें का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाइटल फोर्स। हाँ, होम्योपैथी मानती है कि ऐसा एक फोर्स है जो डिसीज बना सकता है, और उसके डिस्टर्ब होने पे हार्मोनियस लाइफ डिस्टर्ब होती है और हम में डिसीज आ सकते हैं। होम्योपैथी मानती है कि हर एक इंसान ये इंडिविजुअल है, हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, वो एक नहीं है। और उसकी बीमारी, भले अगर मुझे सर्दी है, मेरे यहाँ पे जितने लोग बैठे उनको सर्दी है, तो अगर 10 लोग सर्दी से गुजर रहे हैं तो हर किसी को एक मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं आती है, हर किसी को अलग 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 मेडिसिन होम्योपैथी में आती है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। पहला वाइटल फोर्स, दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन, तीसरे प्रिंसिपल्स। हाँ दोस्तों, कार्डिनल प्रिंसिपल्स के बारे में तो मैंने आपसे बात की है और उसका एक वीडियो मैंने आप सबके सामने बनाया भी है। चौथे फैक्टर्स आते हैं माइजम, जो सबसे कारणीभूत, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं डिसीज प्रोडक्शन में। जैसे आयुर्वेदा में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात की जाती है, वैसे ही होम्योपैथी के अंदर सोरा, साइकोसिस और सिफिलिटिक की बात की जाती है। होम्योपैथी जब डिसीज के लिए ट्रीटमेंट देता है तो वो किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए ट्रीटमेंट नहीं देती है, तब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पूरा होल पकड़ के, वो पर्सन को एज अ होल पकड़ के ट्रीटमेंट दी जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी के बारे में जितनी बात करूं उतनी कम है, पर होम्योपैथी अगर समझना है तो होम्योपैथी को पहले आप ट्राई करो, होम्योपैथी तक पहुंचो। जैसे अगर मुझे लॉक खोलना है तो मुझे चाबी लगाना पड़ेगी और वो मिनिमम चाबी लगाना पड़ेगी, वैसे ही अगर मुझे क्योर करना है तो मुझे होम्योपैथी की तरफ आना पड़ेगा, होम्योपैथी को समझना पड़ेगा, होम्योपैथी के लिए जानकारी लेना पड़ेगी। आशा करता हूँ जो ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश की है, मैंने होम्योपैथी को आपके सबके सामने रखने की कोशिश की है, वो मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर 70% तो भी मैं आप सभी की अपेक्षाओं को फुलफिल कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत सारे सजेशंस दें, मुझे आप और भी क्वेश्चंस करें, जिससे कि मैं नए क्वालिटी से क्वालिटेड वीडियो आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूँ।
आज जितना भी मैंने प्रयास किया है वो सभी प्रयास को मैं हमारे डॉक्टर श्यामल हनेमन को अर्पित करता हूँ और आप सभी को होम्योपैथिक दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, जिनको अच्छा लगा है वो जरूर लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। होम्योपैथी के बारे में जिनको जिनको जानना है, अलग अलग चीजें जानना है, ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, जितनी भी चीजें आपको जानना है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप कंसल्टिंग भी करा सकते हैं, आप लेक्चर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हम बात भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वेरी मच वेरी वेरी थैंक यू टू डॉक्टर श्यामल हनेमन जिन्होंने हमें होम्योपैथी दी। श्यामल हनेमन के लिए एक ही मैं जो है चार शब्द बोलना चाहूंगा, गुरु दीपक गुरु चांद नो गुरु पिन घोर अंधार, पलक न बिसरु गुरु तुम्हें तुम मुझे प्राण आधार। हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर श्यामल हनेमन है, ये जो हमारे डॉक्टर श्यामल हनेमन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें होम्योपैथी दी और होम्योपैथी देके दुनिया को रोशन कराया है, डिसीज फ्री बनाया है। जय होम्योपैथी, जय हनेमन, थैंक यू दोस्तों।